Well, this is the first vlog ever कि मैं किचन में हूँ, ओके, and I'm going to prepare my own omelette, so be ready. और ये इसलिए रखा है क्योंकि अगर हाथ गंदा हो जाए तो साफ कर सकते हैं, common sense. पर इसको मैं, मुझे लगता है साइड पर रख देना चाहिए, ओके. Well, एक अंडा तो फोड़ दिया है. Now, you know, मेरी लाइफ में मैंने फर्स्ट अंडा फोड़ा एंड इट वॉज अ क्रैश, कम्प्लीट क्रैश. इट वॉज अ क्रैश, ओके. एंड सॉरी अबाउट लाइट्स, लाइट थोड़ी कम है, ओके. सो लेट्स ट्राई फॉर सेकेंड टाइम, देखते हैं. विश मी लक. Yeah, it's crack. नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ. इट्स अ क्रैश वंस अगेन. आई डोंट नो इसका लॉजिक किस तरीके से हमें ब्रेक करना रहता है, मुझे पता ही नहीं. इट्स द फर्स्ट टाइम इट्स अ क्रैश. Hands are dirty, need to clean it. So well, as you can see, अभी आप देख नहीं सकोगे मेरे ख्याल से, ओए, थोड़ा गिरा दिया. Not again, man. This is third crash. Okay, but दिखा नहीं रह सकता, but you can understand. Okay, और मेरा चेहरा नहीं दिखता है, मेरा चेहरा दिखना चाहिए, right? Okay, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था. So first of all, हमें क्या डालना है? Well, actually, मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, सो मुझे आई हैव नो आइडिया एट ऑल. ये देखो मेरा मोबाइल भी फिसल रहा है. आई हैव नो आइडिया कि ऑमलेट में क्या डाला जाता है, बट बेसिक आइडिया ये है कि मिर्च, हल्दी और नमक, ये तीन तो होता ही है, आई नो. सो लेट्स गो फॉर, आई थिंक ये मिर्ची होनी चाहिए, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मिर्च ऐसी होती है? क्या मिर्च ऐसी होती है? इट लुक्स डिफरेंट मैन, लिटिल बिट डिफरेंट, बट फिर भी हम थोड़ा सा डाल रहे हैं बिकॉज इट लुक्स डिफरेंट. ओके, थोड़ी सी मिर्च डाल दी. नाउ इट्स टाइम फॉर हल्दी. ओके, हल्दी डन. थोड़ा ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, थोड़ा सा मिर्च डालना पड़ेगा. अरे यार, बार बार फिसल बहुत रहा है ये. It's a kitchen, okay. So bear with me. पर ये मिर्ची है ना, मुझे कॉल करके पूछना पड़ेगा. So let's take a break, क्योंकि मुझे पूछना पड़ेगा क्या ये मिर्च है या नहीं. Okay. Well, it's a take two, and as you can see, it looks somewhat good. अच्छा दिख रहा है. Omelette, right? प्रिपरेशन इज गुड, लेट्स सी अच्छा बनता है कि नहीं बनता है.
अरे यार इसको गिरना ही होता है, इसको गिरना ही होता है। रुक ना भाई रुक, टिकता क्यों नहीं है? आई थिंक नाउ इट्स रेडी। मेरे ख्याल से मिर्च थोड़ी ज्यादा गिर गई है, क्या करेंगे? मिर्च थोड़ी ज्यादा हो गई है, क्या करूं? एक ऑमलेट और डाल दूं? थ्री ऑमलेट नहीं, सॉरी थ्री एग्स ऑलरेडी डाल दिए, राइट? एंड मेरे ख्याल से इट्स मोर देन इनफ, बट फिर भी इट लुक्स मच मोर डार्क। क्या करो, पूरा डाल दो एक और ऑमलेट? वैसे एक ही है एंड तो, राइट? क्या करेंगे, ज़्यादा अंडा डालेंगे तो बिगड़ जाएगा, राइट? सो चलिए ऑपरेशन शुरू करते हैं। स्मेल तो अच्छी अच्छी आ रही है। पहले डालना पड़ेगा तेल। चलो मुझे आता है। राइट, डाल दिया तेल। ये हो गया कंप्लीट, डाल दिया है इसको थोड़ा। It looks good. Hope so, अच्छा रहे। Mission half accomplished. Cool.
Whoops! It broke into two. Half ho gaya boss. Hey, kya karenge? Yeah. Half up ho gaya. Kya karenge? Isko nikal do. I think so pak gaya. It looks good. अच्छा लग रहा है, देखना चाहोगे? जल्दी 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 आए. It looks good. अच्छा लग रहा है, पहली बार ऑमलेट बनाया है अपने हाथों से, देखते हैं कैसा बनता है, टेस्ट कैसा लग रहा है. स्मेल तो थोड़ी अच्छी आ रही है, बट क्या है कि मेरे ख्याल से मिर्च थोड़ी ज़्यादा हो गई है और क्या कहते हैं, थोड़ा जल गया, थोड़ा सा जल गया. ऑब्वियस ही बात है, पहली बार बना रहा हूँ. सो इट्स रेडी. अभी हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ ब्रेड को पकाना है. ब्रेड एल लेवेडी, नहीं क्या कहते हैं, एल पेटीन, हम इस दुनिया के राजा है और ये राजा अपने हाथ से ऑमलेट बना रहा है. एल पेटीन. बहुत दिनों बाद, यू नो, बचपन में, सच बात बताऊं, बचपन में आई गेस जब मैं बी6 एमआरसी, मतलब एमआरसी सोसाइटी, वडोदरा में एमआरसी सोसाइटी कहाँ है आप ढूंढ लेना, तो हम जब वहाँ पुराने घर में रहते थे तब मैं मैगी बनाता था. और आज तक मैंने सिर्फ चाय और मैगी ही बनाया है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम प्रिपेयरिंग ऑमलेट. अभी देखते हैं कि इसका रिव्यू क्या आता है. ओके, पर पहले मुझे इस ब्रेड को गर्म करना है. हॉट हॉट सर, बी रेड. Bread is ready. I'm not that good cook, but थोड़ा बहुत गर्म करना तो आता है, रहते हैं. चलो it's ready, हम चलते हैं. Bye bye, take care. मेरा फोन. वेल फ्रेंड्स, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने अपने हाथों से एक ऑमलेट बनाया है. तो उस वो मैंने कैसे बनाया है आप खुद ही देख लीजिए. मेरी आज एज होती है 38. मेरी अब तक की एज में मैं आई एम प्रिपेयरिंग द फर्स्ट टाइम माई ओन ऑमलेट.
as you can see with my bare hands. This is my preparation. अभी तो टेस्ट नहीं किया है ओके पर मैंने कैसे बनाया है ये आप ज़रूर देखना चाहेंगे राइट आप ज़रूर देखना चाहेंगे सो लेट्स सी कि मैंने ये कैसे प्रिपेयर किया है चलिए अब बना तो दिया है लेट्स सी टेस्ट कैसे हो रहा है आई एम यू नो हंग्री हंग्री आवर आई एम हंग्री 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 आवर दैन बिफोर हम खाने के लिए रेडी है ऑमलेट वेल दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने ऑमलेट बनाया है तो देखते हैं खुद के हाथों से कैसे बनता है ऑमलेट ज़्यादा रिस्क न लेते हुए डबल फोल्ड किया है एज यू कैन सी दिस इज माई ओन ऑमलेट मेरे अपने हाथों से बनाया है चखते हैं Not good man. Sorry, not bad. अच्छा बना नाइस वाओ मैन आई एम अ वेरी गुड कुक चलिए ब्रेक के बाद मिलते हैं एंडिंग करते हैं ओके आप भी खा ले रहा ओके और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अरे अरे रुको यार देखा रुको यार वेट अ मिनट मुंह तो साफ कर ले तो यार मुंह भी साफ नहीं कर देते मजाक करो एनीवेज सो वेल डू यू वांट माय ऑनेस्ट रिव्यू आपको सही में मेरा ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए डू यू रियली वांट माय ऑनेस्ट रिव्यू पर एक काम करते हैं क्या आपको सच चाहिए या झूठ चाहिए कौन सा वाला रिव्यू चाहिए मेरा चलो एक काम कर देते हैं पहले झूठा रिव्यू आपको देते हैं एकदम झूठा रिव्यू एकदम पक्का वाला झूठा रिव्यू पक्का वाला झूठ बोलेंगे आज देख लीजिए इट्स अ वंडरफुल ऑमलेट यार क्या ऑमलेट था मैं अपनी उंगलियां चाटता रह गया यार क्या ऑमलेट था यार माइंड ब्लोइंग यार ऐसा ऑमलेट हो ही नहीं सकता इस दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता बॉस हो ही नहीं सकता एनीवेज ये एंगल थोड़ा चेंज करना ज़रूरी था क्योंकि यू नो व्हाट अगर आपको ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए तो यू नो वो झूठा रिव्यू था दिस ऑनेस्ट रिव्यू तो झूठे रिव्यू के लिए वो जगह थी और ऑनेस्ट रिव्यू के लिए ये जगह है ओके सो इफ़ यू वांट माय ऑनेस्ट रिव्यू पहले तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब वीडियोज़ ओके मेरे यूट्यूब वीडियोज़ को आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है वरना मुझे बुरा लगेगा एनीवेज ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट टाइम एवर ओके तो मैं बनाने वाला था 2 eggs का ऑमलेट ओके पर हो गया 3 omelet का मतलब 3 eggs का ऑमलेट अभी इसमें 3 eggs क्यों हुए इसके पीछे मैं आपको रीज़न दिखाता हूँ बोलता हूँ पहले जो 2 अंडे थे राइट वो क्रैश हो चुके थे मतलब क्रैश हुआ मतलब यू नो वेरी वेल आप दोनों हाथ से पकड़ते हैं तो जो कवर आता है वो दो आपके दोनों हाथों में अलग अलग कवर आ जाता है राइट समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ अगर आप फोड़ते हैं अंडा तो उसका एक कवर दूसरे हाथ में एक कवर दूसरे हाथ में होता है इस तरीके से होता है और जो हमें चाहिए कच्चा माल या पक्का माल जो भी बोलो तो वो जाता है सीधा बाउल में ओके सो दोनों एग्स मेरे क्रैश हो चुके थे बट लकीली वो जो हमें कच्चा या पक्का माल जो आप बोलते हो वो बाउल में ही गिरा था सो दैट वॉज सक्सेस बट हुआ ये कि जो मैंने मसाला डाला और
जो मैंने प्याज डाली वो ज़्यादा हो गया था, प्याज थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो दैट्स वाई मुझे एक और अंडा ऐड करना पड़ा, राइट right? ये हुआ। नाउ थोड़ा एंगल चेंज करते हैं, yeah! ओके आराम से हम बताएंगे, ऑनेस्ट रिव्यू हमारा एकदम आराम से होगा। आप देखोगे कि हम आराम से, बहुत आराम से पड़े उड़े, यू नो हम हमारा रिव्यू बोलेंगे। सो रिव्यू ये था कि जो यूजुअल टेस्ट, जिससे मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात बताना चाहता हूँ, आज कन्फेस करना चाहता हूँ, यस आई एम अ नॉनवेज, मैं नॉनवेज खाता हूँ, आई एम अ नॉनवेज नहीं, आई ईट नॉनवेज, ओके आई ईट नॉनवेज टू, बट मुझे वेजिटेरियन भी बहुत पसंद है, ओके और उसमें भी पंजाबी खाना तो लाजवाब, मुझे बहुत पसंद है पंजाबी खाना और साउथ इंडियन खाना, ये दोनों मुझे बहुत पसंद है, ओके सो ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं ऐसे 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 आराम से हम बोलेंगे आज थोड़ा मजाक ज़्यादा हो गया, नहीं क्या कहते हो, बट एनीवेज ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि थोड़ा जल ज़्यादा गया था, ओके और मुझे पता नहीं था कि कितने टाइम तक हमें वो ऑमलेट, वो कहते हैं ना, वो हमारे गुजराती में तो तवी कहते हैं उसको, तवी जिस पर हम ऑमलेट बनाते हैं ना उसको हम तवी बोलते हैं, तवी TAVI तवी, ओके सो उस पर मैं ज़्यादा नहीं रखा, आई थिंक 4 to 5 minutes मैंने रखा था, बराबर, और आपने देखा ही होगा, मैं जब बना रहा था आपने देखा ही होगा, अगले वीडियो में मतलब अगली क्लिप में आपने देखा ही होगा, ओके सो विद दिस इज योर फ्रेंड प्रज्ञेश परमार साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर। और एक काम करना है आपको, आप जानते ही हो क्या करना है, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर इट यार, शेयर करना रखो, ओके और दूसरी एक बात, मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम एवर है, मतलब फर्स्ट टाइम एवर मैंने ये ऑमलेट बनाया अपने हाथों से, सो आई विश कि मेरा जो ये यूट्यूब वीडियो है इस पर 25,000 से ज़्यादा लाइक्स आए, और व्यूज़ का टारगेट हम रखते हैं 3 million बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, ओके बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को अगर आपने हाईलाइट नहीं किया है तो बॉस जाइए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे करके आपको मेरे सभी नोटिफिकेशन, मेरे सभी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ओके सो विद दिस इज योर फ्रेंड प्रज्ञेश परमार साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, बाय।